द क्रेडिबल हिस्ट्री के थ्रू हम लगातार काम कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट से, कुछ यहां यूट्यूब से, इतिहास के नाम पर जो झूठ फैलाया जाता है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारी समस्या ये है कि हमारी बात अभी उतनी दूर तक नहीं पहुंच रही है जितनी पहुंचनी चाहिए। तो पहला तो आपसे आग्रह ये होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा ये कि हमें यह कहने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि गर्व है कि हम किसी भी संस्था से, किसी भी सरकार से किसी तरह की कोई मदद न लेते हैं, न उसकी कोशिश करते हैं। हम आपके लिए काम करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो मदद हमारी हो सके आप करें। छोटी से छोटी मदद हमें ताकत देगी, अपने पैर पे खड़ा रहने की हिम्मत देगी, और हम लगातार इतिहास के नाम पर फैलाए हुए झूठों का जवाब दे सकेंगे। नमस्कार। आजकल एक नया चलन चला है कि हर साल गांधी जयंती पर कुछ विस्फोट किया जाता है। एक तो आईटी सेल के ट्रॉल्स होते हैं, उनका तो काम बिल्कुल फिक्स है कि गांधी जयंती के दिन नाथूराम गोडसे का ट्रेंड चलाएंगे। उनका समझ में आता है, अनपढ़ लोग हैं, कुछ को पैसे मिलते हैं, कुछ पागल हो गए हैं धर्म के चक्कर में, तो उनको तो जो कहा जाता है वो करते हैं। उससे किसी को शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ इतना सिद्ध करते हैं कि नाथूराम गोडसे क्या था, गांधी का हत्यारा। अगर गांधी की हत्या न की होती उसने, अगर इस बार भी वो असफल हो गया होता, तो नाथूराम गोडसे के को कोई याद भी नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पढ़े लिखे चालाक लोग हैं, वो हर साल गांधी पर कुछ धमाका करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस बार हुआ कि विक्रम संपत, सावरकर के जो जीवनीकार हैं, जिनकी सावरकर की किताब पढ़ते हुए जब आप रिसर्च करते हैं तो मालूम होता है कि उसमें कितने सारे झूठ हैं, कितनी सारी चीजों को छुपा लिया गया है, कितने सारे अर्ध सत्य हैं। आप जानते हैं कि जब ट्विटर पर मैंने उनसे एक सवाल एक बार किया था तो वो निकल पड़े थे, वहां से निकल लिए थे। आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं, जब आरोप लगे तो जवाब देने की जगह वो कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में मामला है, कहां पहुंचेगा, क्या होगा, पता नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी शाया की अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक गोपनीय डॉक्यूमेंट शाया किया, और यह बताने की कोशिश की कि सावरकर पर तो 60 रुपए प्रति माह अंग्रेजों से लेने के आरोप लगते हैं, गांधी को भी पैसे मिलते थे। और मजेदार बात यह है कि ट्विटर पर इतने सारे लोग हैं, इतने विद्वान लोग हैं, गांधी को मानने वाले, खुद को गांधीवादी कहने वाले, गांधी एक्सपर्ट कहने वाले इतने सारे लोग हैं, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं उस समय कश्मीर में था, लगातार यात्राओं में था, न मैं घर पे था कि किताबें देख पाता, न मेरे पास इतना समय था कि मैं रिसर्च करके निकाल पाता। हालांकि मेरे दिमाग में था कि मुझे क्या करना है, पढ़ा हुआ कहीं रहता है, लेकिन जब तक मैं सोर्स न दे दूं तब तक आप कैसे मान लेंगे। और सोर्स के लिए जरूरी होता है कि आप घर पे हो, रिसर्च करने का वक्त हो। मुझे लग रहा था कि शायद कोई गांधीवादी आगे बढ़ के इसका जवाब देगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े विद्वान, गांधी के नाम पर बड़े बड़े काम करने वाले, बड़ी बड़ी यात्राएं करने वाले, बड़ी बड़ी फेलोशिप लेने वाले इतने सारे लोग हैं, लेकिन इस आरोप का किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरा डीएम भरा हुआ था, तमाम सारे लोगों ने मुझे भेजा था कि अशोक इसका जवाब दीजिए आप। मैंने सबसे यही कहा था कि एक बार मैं दिल्ली लौट आऊं, फिर मैं इसका जवाब देता हूं, और आज मैं दिल्ली लौट आया हूं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह कि पेश ऐसे किया गया जैसे कि यह कोई नई जानकारी हो, जैसे कि उनको कुछ दिया जा रहा हो। पूरा मामला क्या था? मामला यह था कि गांधी उस समय येरवडा जेल में थे, जेल अथॉरिटीज थी, उन्होंने जेल में गांधी और उनके सहयोगी जो थे उनके लिए एक बजट पास किया। पहले तो ऐसे शो किया गया जैसे अकेले गांधी के लिए। एक बात मैं आपको बताऊं, उस दौर में आप किसी की जीवनी पढ़ेंगे या जेल के रूल्स पढ़ेंगे तो हर कैदी के हिसाब से कुछ बजट होता है, उसके अनाज का, उसके खाने का, उसकी बाकी सारी चीजों का। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी पढ़ते हुए भी मैंने पढ़ा था कि तमाम सारे लोग जो जेलों में कैद थे वो ये बढ़ाने की मांग करते थे, वगैरह वगैरह। तो जेल में जब आप रह रहे हैं तो आपको प्रॉपर रोटी मिले, प्रॉपर दाल मिले और सारी चीजें मिले, इसके लिए एक बजट दिया जाता है। दूसरी बात यह कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार जानकारी में आई है। 10 मई 1930 को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा मेजर ई डायले को, जो होम डिपार्टमेंट के थे। उस पत्र में ही यह जानकारी है। और कैसे है
आप ये पत्र देख पा रहे होंगे, उसमें गांधी ने क्या कहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। गांधी कहते हैं, द गवर्नमेंट हैव सजेस्टेड ₹100 एज मंथली अलाउंसेस। सरकार ने मुझे प्रस्ताव दिया है कि मेरे खर्च के लिए, जब मैं जेल में हूं तो मेरे और मेरे साथियों के जेल के खर्च के लिए ₹100 का मंथली अलाउंस दिया जाए। अब गांधी क्या कहते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं, आई होप आई शैल नीड नथिंग नियर इट। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे और भी कहते हैं वो, नाइदर यू नॉर द गवर्नमेंट विल आई होप कंसीडर मी अनग्रेटफुल फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल द फैसिलिटीज ऑफर्ड टू मी। यानी वो कहते हैं कि जो सारी सुविधाएं आप मुझे देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं इनको जब ठुकरा रहा हूं तो आप इसको बुरा नहीं मानेंगे। इट इज एन ऑब्सेशन इफ इट इज बी सो कॉल्ड विद मी दैट वी आर ऑल लिविंग एट द एक्सपेंस ऑफ टॉयलिंग सेमी स्टार्व्ड मिलियंस। मुझे लगता है कि जो लाखों लोग अधभूखे यहां पर सोते हैं, उनके हिस्से का पैसा काट के इस तरह का अलाउंस दिया जाता है। इसके आगे गांधी क्या लिखते हैं, अगेन आई होल्ड रेडिकल व्यूज अबाउट प्रिजन ट्रीटमेंट। जेलों में जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उस पर मेरे विचार जो है वो रेडिकल है। आई हैव नेवर टेकन काइंडली टू द क्लासिफिकेशन रिसेंटली मेड। ये जो क्लासिफिकेशन बनाया गया है जिसमें ए ग्रेड का कैदी, बी ग्रेड का कैदी और सी ग्रेड का कैदी होता है, सबको अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, गांधी कहते हैं कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। I hold that a murderer is just as much entitled to have his needs supplied as any other prisoner. गांधी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि कोई हत्या करके भी आता है या कोई भी कैदी जो जेल के अंदर रहता है, हर कैदी को यह हक है कि उसकी जरूरतें पूरी की जाएं। What is therefore needed is not a mechanical makeshift but a human adjustment. यानी कुल मिला जुलाकर ये जो ₹100 का उनके ऊपर खर्च करना था सरकार को, ये कोई अनुदान सरकार नहीं दे रही थी, ना ही सरकार उनके अकाउंट में कोई पेमेंट कर रही थी, उनको महीने का चेक दे रही थी। हुआ यह था कि यरवदा जेल में गांधी अपने बहुत सारे साथियों के साथ गिरफ्तार हुए थे और उनके ऊपर जो खर्च होना था राशन वगैरह का, उसके लिए ₹100 महीने का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार ने दिया था, जिसे गांधी ने ठुकरा दिया था, गांधी ने मना कर दिया था। इसकी तुलना वो सावरकर से कर रहे हैं जिनको ₹60 महीने का भत्ता मिलता था और वो मांग कर रहे थे कि मुझे और भत्ता दिया जाए, वो भत्ता उनके अकाउंट में मिलता था। यहां गांधी जेल में थे, उनके जेल के खर्चे के लिए अंग्रेज प्रस्ताव करते हैं और गांधी मना कर देते हैं, कहते हैं कि इस पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं। इस चिट्ठी के अंत में वो मांग जो करते हैं वो क्या मांग करते हैं, इस चिट्ठी के शुरुआत में वो कुछ अखबारों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स आई डू नॉट वांट थ्रू द गवर्नमेंट। यानी जो बुक्स, किताबें और न्यूज़पेपर की वो मांग करते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, मॉडर्न रिव्यू, यंग इंडिया एंड नवजीवन, उसके लिए भी सरकार से खर्चा नहीं मांगते हैं, सिर्फ अनुमति मांगते हैं कि उनको ये पत्रिकाएं और अखबार मंगाने की अनुमति दी जाए। जो आदमी सरकार से अखबार तक के लिए खर्च नहीं मानता है उसके ऊपर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो एक मांग करते हैं और ये मांग पत्र के अंत में है कि जो तमाम सारे सत्याग्रही यरवड़ा की जेल में बंद हैं, उनसे मुझे मिलने की अनुमति दी जाए। वो हमारे साथी हैं और उनसे दूर रहते हुए मुझे पीड़ा की अनुभूति होती है। जब आप गांधी वाङ्मय पढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे पत्र पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि अंग्रेजों ने सिर्फ उनको ब्लड रिलेटिव से मिलने की इजाजत दी थी। गांधी ने कहा, फिर तो कस्तूरबा भी मेरी ब्लड रिलेटिव नहीं है, वो तो पत्नी है। ब्लड रिलेटिव तो मतलब भाई, चाचा, पिता, इस तरह के लोग हुए। और उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ मुझसे ब्लड रिलेटिव्स को मिलने की अनुमति देंगे मुझको, तो मैं अपने ब्लड रिलेटिव से भी नहीं मिलूंगा, मुझे अनुमति चाहिए अपने सभी साथियों से मिलने की, क्योंकि मेरे जो खून के संबंध हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले मेरे साथी हैं। इसके आगे जब आप एक पत्र पढ़ते हैं तो एक और पत्र मिलता है। इसके आगे जब आप पढ़ते जाते हैं तो एक और पत्र मिलता है, उसका एक हिस्सा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यह पत्र मैं जानबूझकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह वायसराय को लिखा हुआ पत्र है। इस पत्र के अंत में वो कहते हैं, You will not coerce millions of people into subjection for all time. लाखों लोगों को आप हमेशा दबा नहीं सकते।
इंडिया मस्ट नॉट लिव फॉर इंग्लैंड, भारत इंग्लैंड के लिए नहीं जिंदा रहेगा, शी मस्ट लिव फॉर हरसेल्फ, उसे अपने लिए जीना होगा, सो एज टू इनेबल हर टू मेक हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस, ताकि दुनिया की प्रगति में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। एज अ स्लेव नेशन शी इज मेयर बर्डन ऑन अर्थ बिकॉज इट इज अ फॉल्स लाइफ, गुलामों की जिंदगी जीते हुए वो दुनिया के ऊपर सिर्फ बोझ है क्योंकि ये एक झूठी जिंदगी है। नो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैन देयरफॉर बी ऑफ एनी अवेल अनलेस यू सी थिंग्स फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट एंड लीविंग कोएर्सन रिलाय सिंपली ऑन कैरिंग कन्विक्शन। आप हजार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, लेकिन जब तक आप चीजों को हमारे लिहाज से नहीं देखेंगे कुछ बदलने वाला नहीं है। और खत्म में क्या करते हैं, इवन दोज हु यू थिंक आर विद यू आर विद द कांग्रेसमैन सो फार एज वांट्स आर कंसर्न, जो आपको अपने लोग लगते हैं वो भी कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि उनकी जरूरतें भी वही हैं जो भारत के आम लोगों की है। मैं ये पत्र क्यों पढ़ रहा हूं, सावरकर 60 रुपए का पेंशन लेते थे तो 1937 तक अपनी जबान सिल के रखी, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गांधी की हिम्मत थी कि जो अलाउंस उनको देने की बात हुई उसको उन्होंने ठुकरा दिया, कहा मुझे ऐसे अलाउंस की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए जेल में रहते हुए भी वायस राय को वो ऐसी चिट्ठी लिखने की हिम्मत करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप हजारों हजारों लाखों लोगों को लंबे समय तक दबाकर नहीं रख सकते। ये अंतर था गांधी और सावरकर में, एक जेल में रहते हुए भी अंग्रेजों से आंखें मिलाकर बात कर रहा था, एक दी हुई सुविधाओं को लात मार रहा था, दूसरा लगातार माफी मांग रहा था, अपने आप को स्वामी भक्त कह रहा था, भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहा था। तो संपत जैसे लोग जो खुद को इतिहासकार क्लेम करते हैं, दरअसल जो इस समय सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको संतुष्ट करने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। पत्र लाकर हंगामा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंगाल कर ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि गांधी ने इस पर क्या कहा था, ये बताने की भी बात नहीं करते हैं कि ये भत्ता नहीं था, ये गांधी जब जेल में थे तो गांधी और उनके साथियों के खर्च के लिए जो बजट पास किया गया था वो बजट था, और गांधी ने ऐसे किसी बजट की, ऐसे किसी पैसे की कभी मांग नहीं की। ये होता है अंतर, ये होती है पूरी बात, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता की चाटुकारिता में लगे हुए लोग कभी पूरी बात नहीं कर सकते हैं। गांधी के जन्मदिन पर ऐसी झूठी बातें करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। मुझे दुख यह है कि यह सच बहुत पहले किसी बड़े इतिहासकार को ला देना चाहिए था, लेकिन शायद उनको यह छोटा काम लगा। मैं तो आपका लेखक हूं, आपके लिए लिखता पढ़ता हूं, जनता का आदमी समझता हूं खुद को, इसलिए मेरा तो काम है कि इस तरह का जब भी झूठ बोला जाएगा तो मैं उसका सच लेकर आऊंगा। और सवाल पूछने का हक उन्हें ही नहीं है, कल या परसों में सावरकर पर एक बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं और फिर देखते हैं कि संपत साहब और उनके अगल बगल बैठे हुए लोग उसका क्या जवाब देते हैं। नमस्कार।